पिच तो अभी पता नहीं कैसा खेलेगी, क्योंकि वहाँ तो इतना कोई खेलता नहीं है न्यूयॉर्क में। हाँ, वेस्ट इंडीज़ में खेलते हैं, वहाँ थोड़ा सा पिच के बारे में आइडिया होता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी प्लेयर पहले वहाँ टूर कर चुके हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, बहुत से प्लेयर वहाँ पहले खेले हैं। पर न्यूयॉर्क में कुछ पता नहीं कैसा पिच होगा, पर जो क्रिकेटर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद बाउंसी पिच मिलेगा, और ये खुला स्टेडियम है, शायद बहुत स्विंग भी हो सकता है, तो पता नहीं कैसा खेलने वाला है। पर इंडियन टीम तैयार है, मेरे ख्याल से इंडियन टीम के पास काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है और काफ़ी प्लेयर्स फॉर्म में हैं, और बुमराह का होना इस बार काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि बुमराह पिछली बार 2022 वर्ल्ड कप में नहीं थे, और जिस फॉर्म में बुमराह है, आई थिंक ही विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। यार टीम तो बन गई है 15 में, और 4 स्पिनर है वहाँ पे, तो अगर 4 स्पिनर डाला है तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का मानना होगा कि वहाँ बॉल स्पिन करेगा, स्पिन को हेल्प करेगा। और मुझे लगता है कि कुलदीप यादव जो गेंदबाज स्पिनर हमारे पास हैं, वो किसी पिच के ऐसे मोहताज नहीं कि उनको टर्निंग ट्रैक पे आउट कर पाएंगे। कुलदीप यादव ने देखा है, अभी एक दिल्ली में मैच हुआ था, हैदराबाद वर्सेस दिल्ली, जहाँ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा छक्के पर छक्का मार रहे थे, और कुलदीप यादव ने आकर उनको आउट किया, तो फ्लैट पिच पे। तो कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज है कि वो पिच के मोहताज नहीं है, जो भी कलाइयों से बॉल डालता है उसके लिए टर्निंग ट्रैक की आवश्यकता नहीं है, वो ही विल फाइंड वेज टू पिक विकेट्स, चाहे लेफ्टी हो चाहे राइटी हो। और ऐसे सब गेंदबाज है, चहल भी वो काम करते हैं, लेफ्ट राइट दोनों को आउट करते हैं, जडेजा, अक्षर पटेल। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा सिलेक्शन है।